गाइस, सैमसंग ने अपना फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M10S लॉन्च कर दिया, जिसका प्राइस रखा गया है लगभग 9,000 रुपये। आप इसका वेरिएंट देख सकते हैं। वहीं पर आज हम इसका करने वाले कंपैरिजन इन्फिनिक्स हॉट 8 और रियलमी 3i के बीच में, क्योंकि इनका प्राइस भी लगभग सेम ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीनों फोन्स के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही फोन्स में हमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर हमें M10S में सुपर एमोल डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट दोनों ही बाकी फोनों में हमें IPS LCD देखने को मिल जाती है। अगर हम बात कर लें एक्सपेक्ट रेशियो की, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें एक्सपेक्ट रेशियो दोनों फोन से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें सैमसंग गैलेक्सी M10S में सुपर एमोल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं तीनों फोन्स के हम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर M10S में हमें एक्जीनो का 7884 भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में हीलियो P22 जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। वहीं पर रियलमी 3i में हमें हीलियो P60 जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तीनों फोन्स के आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, ऑलमोस्ट तीनों फोन्स के ग्राफिक्स सेम है और तीनों फोन हमें एंड्रॉयड 9.0 पर वर्क करते हुए दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तीनों फोन्स की बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर हमें M10S में 13+5 मेगापिक्सल का ड्यूल बैक सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट में हमें ट्रिपल रियर बैक सेटअप देखने को मिल जाता है 13+2+ लो लाइट सेंसर के साथ। वहीं पर रियलमी 3i में 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। तीनों फोन में हमें बैक में रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की, तो हमें M10S में 5 मेगापिक्सल का, इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें 8 मेगापिक्सल का, वहीं पर रियलमी 3i में हमें सबसे बड़ा 13 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम ओवरऑल बात कर ले तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 आगे निकल जाता है, क्योंकि इसका प्राइस भी काफी कम है। 7,000 में आपको ट्रिपल रियर बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं तीनों फोन्स की बैटरीज की, तो यहाँ पर M10S में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें सबसे बड़ी बैटरी 5000 mAh की मिलती है, और वहीं पर हमें रियलमी 3i में 4230 mAh की बैटरी मिलती है। बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 और रियलमी 3i में फास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट नहीं मिलती, दोनों में हमें 10 वाट का नॉर्मल चार्जर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले M10S की, तो यहाँ पर हमें 15 वाट का फास्ट चार्जिंग बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।